अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज हम बनाने वाले हैं मैंगो रबड़ी। तो चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो मैंगो रबड़ी बनाने के लिए सबसे पहले हमने लिया है यहाँ पर 1 लीटर दूध। इसको हम सबसे पहले उबाल लेंगे। जब दूध उबल जाएगा तब हम इसकी मलाई जो है साइड्स में कलेक्ट करते जाएंगे और इसको 10 मिनट तक अच्छे से उबलने देंगे तेज़ आँच पर। बीच बीच में इसको चलाते रहना है। देखिए इस तरीके से हम एक स्पैचुला की मदद से या किसी भी चम्मच की मदद से इसकी मलाई को हम साइड में कलेक्ट करते रहेंगे। इससे हम जो बाद में इसको मलाई को जब इसमें डालेंगे तो हमारी जो है बहुत ही अच्छी लच्छेदार रबड़ी बनकर तैयार होगी। तो इसी तरीके से हम दूध को तब तक उबाल देते हैं जब तक ये गाढ़ा ना हो जाए। यहाँ पर हमने लिया है 1/4 कप मिल्क। ये रूम टेम्परेचर मिल्क है, बिल्कुल भी गर्म नहीं है ना ठंडा है। अब हम इसमें डाल देंगे 3 बड़े चम्मच मिल्क पाउडर और 2 बड़े चम्मच वनीला कस्टर्ड पाउडर। अब इन दोनों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर आप गर्म दूध इस्तेमाल करेंगे तो इसमें लम्स पड़ जाएंगे, फिर आपके रबड़ी में भी लम्स होंगे जो बिल्कुल अच्छे नहीं लगेंगे। तो इसको हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है, अब इसको साइड में रख देते हैं। देखिए हमारा दूध काफ़ी गाढ़ा हो गया है पहले के हिसाब से। हम इसकी मलाई जो हमने साइड में कलेक्ट की थी वो हम इसमें निकाल लेंगे। देखिए हमारी मलाई सारी कलेक्ट हो गई है। अब इससे हमारी रबड़ी जो है बहुत ही अच्छी सी दानेदार और लच्छेदार बनकर तैयार होगी। तब हम इसमें डाल देंगे इलायची पाउडर। 1 चम्मच इलायची पाउडर हम इसमें डाल देंगे। इसको मिक्स कर लेंगे। अब जो कस्टर्ड का मिक्स हमने तैयार करके रखा था वो भी हम इसमें डाल देंगे और इसे वापस से 5 मिनट के लिए पका लेंगे या जब तक ये अच्छे से गाढ़ा ना हो जाए। देखिए इसकी कंसिस्टेंसी कुछ ऐसी हो गई है। अब हम इसमें डाल देंगे शक्कर। यहाँ पे हमने 100 ग्राम यानी कि 4 बड़े चम्मच शक्कर इस्तेमाल कर रहे हैं। इसको वापस से अच्छे से मिक्स कर लेंगे और शक्कर घुलने तक इसको पका लेंगे। हमारी रबड़ी जो है बनकर तैयार हो गई। अब हम इसमें डाल देंगे नट्स। आप अपने पसंद के कोई भी नट्स डाल सकते हैं। अब इसे हम ठंडा कर लेंगे रूम टेम्परेचर पर, मतलब इसे फ्रिज में नहीं रखना है, सिर्फ इसे ठंडा कर लेना है फ़िलहाल। अब यहाँ पर लिए हमने 2 मीडियम साइज़ के आम। इसको हमने छील लिया और अच्छे से कट कर लिया है। अब हम इसको पीस लेंगे और इसकी प्यूरी बनाकर हमने तैयार कर ली है। तो यहाँ पे हमारी रबड़ी भी अच्छे से ठंडी हो गई है। आप इसको ठंडे होने के बाद ही इसमें प्यूरी मिक्स करिएगा मैंगो की। अगर आप इसको फ़ौरन से डाल देंगे तो बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि दूध फट जाएगा। तब हम इसमें जो मैंगो की प्यूरी हमने बनाकर रखी थी वो डाल देंगे और इसको वापस से अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो हमारी बहुत ही डिलीशियस सी टेस्टी सी मैंगो रबड़ी बनकर तैयार है। अब हम इसको सर्व कर लेते हैं। आप इसको ज़रूर बनाकर ट्राई करिएगा, इंशाल्लाह आपको ये बहुत पसंद आने वाली है। अब हम इसको मैंगो के पीसेस से गार्निश कर लेंगे। के बीच में थोड़े से ड्राई फ्रूट्स भी डाल देते हैं। इसको अच्छे से ठंडा कर लीजिए फ्रिज में 1-2 घंटे के लिए, फिर आप इसको खाइए, आपको बहुत ही पसंद आएगी। और अगर अभी आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।